अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे ओमी 4SE स्टेबलाइजर या गिम्बल और इसका रिव्यू बनाएंगे और आए अब इसे अनबॉक्स करें। इसका बॉक्स ये हमारे पास DJI ओम 4SE गिम्बल है, ये आप इसका बॉक्स देख सकते हैं। इसमें मैग्नेटिक क्विक माउंट है, फोल्डेबल एंड पोर्टेबल है, ये एक्टिव ट्रैक 3.0 है, क्विक रोल है, जेस्चर कंट्रोल है और स्टोरी मोड के लिए भी बेस्ट है ये। तो अब वक्त आ गया इसे अनबॉक्स करने का, इसे अनबॉक्स करते हैं। उसका बॉक्स खोलते ही हमें ये मिलता है, लिखा हुआ क्रिएट मैग्नेटिक मोमेंट्स। और इसमें यहाँ पे इस साइड पर अगर दिख रहा हो तो इधर इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। अच्छा, हम बॉक्स को ओपन करते हैं। इसको खोलते ही साथ हमें नज़र आता है क्रिएट मैग्नेटिक मोमेंट्स। इसको सबसे पहले अनबॉक्स कर लें तो ये जैसे ही हम खोलते हैं तो खुल नहीं रहा है, इतना टाइटली पैक किया हुआ है। सबसे पहले हमें एक स्ट्रैप मिल जाता है, इसके साथ हमें मिल रहा है इस बॉक्स के अंदर एक इसका बैग कह लें जिसमें फिट आ जाए, ऑस्मो लिखा हुआ है इसमें। फिर एक इंस्ट्रक्शन बुक है जिसकी हमें किसी को ज़रूरत नहीं होती, हम खुद ही कर लेने। एक क्विक स्टार्ट गाइड है और एक सेफ्टी गाइडलाइंस है इसकी, जो हमें ज़रूरत नहीं, इसको साइड पे फेंकते हैं। अच्छा, और इस बॉक्स में मज़ीद देखें तो क्या आता है, एक और पेपर वर्क जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये बॉक्स एम्प्टी है, इसमें एक छोटा सा पेपर वर्क और भी है, इसकी हमें फिर कोई ज़रूरत नहीं है और ये बॉक्स एम्प्टी है। ये देखें, अब आ जाते हैं हमने मेन प्रोडक्ट की तरफ। सबसे पहले ये देखते हैं, ये है इसका स्टैंड, बड़ा ही अच्छा स्टैंड है और सही है स्टैंड, इससे हम इसको माउंट कर सकते हैं। फिर इसके साथ आता है इसका एक चार्जर, ये चार्ज होने के लिए है। ये इसका स्टैंड आ गया। फिर ये है मैग्नेटिक माउंट, मतलब ये मेरे ख्याल से इसका मैग्नेट समथिंग का सिस्टम है, ये इसमें लगेगा पता नहीं किसमें, लेकिन ये मैग्नेट है तो इससे आपके मोबाइल पे मैग्नेट के उससे ये लग जाएगा, स्ट्रेचेबल भी है। खैर, ये मेरे ख्याल से इनका एक और जैसे इसमें लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है OM, तो इसी तरह हो सकता है ओम है, OM है, जो भी है, तो इसी तरह का ये एक और दिया है कि अगर वो अलग ख़राब हो जाता है काम आ जाए। और ये है फिर हमारा मेन प्रोडक्ट गिम्बल या स्टेबलाइज़र, आप इसको जो कहना चाहें कह सकते हैं। और अब इसको हम ट्राई करते हैं और चेक करते हैं किस तरह का है। इसमें बटन लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ बटन्स हैं और इधर तीन बटन्स हैं और ये चार्जिंग पोर्ट आ गया इसका। चलिए अब इसे ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये हमारा गिम्बल स्टार्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं ये M वाला बटन है, अगर इसे एक बार प्रेस करते तो ये फोटो मोड से लाइट वीडियो मोड में आ जाता है, वीडियो मोड से फोटो मोड में। इसे हम दो दफ़ा करेंगे तो ये लैंडस्केप से पोर्ट्रेट पे आ जाएगा या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आ जाएगा। अच्छा, तीन दफ़ा करेंगे इसे तो ये अपने रेस्ट मोड में आ जाता है, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मोड यही है कि इसे रेस्ट मोड में लिया है।
खैर तो हमारे पास फिर ये आता है, ये तीसरा, इससे हम तस्वीर की खींच सकते हैं और या तो इसको मल्टीपल पिक्चर्स इससे ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये इसके साथ एक जॉयस्टिक भी है जो आप जहाँ पे भी मूवमेंट करना चाहें वहाँ की ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। खैर लास्ट में हमारे पास ये आता है एक जूम, ये बटन है, इससे आप इसको, अगर आप मेरे को, मैं दिखाऊँ एक सेकेंड, इसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं इसी तरह। और अगर आप इसे बस ये इसका ये फंक्शन होता है, इसे जूम इन या जूम आउट कर दें। लास्ट में हमें मिलता है ये ट्रिगर, अगर हम इस ट्रिगर को एक बार दबाते हैं तो ये एक, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लैंडस्केप कर दिया हमने, ठीक है। अब जैसे ये मेरी तस्वीर आ रही है और हमने ये एक बार कर दिया इसे, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया, अब मैंने इसे यूं कर दिया और स्टैंड को रख दिया। अब मैं जहाँ जाऊँगा इसकी मूवमेंट वहीं होगी, ये देखिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, इसकी मूवमेंट यहाँ है। तो ये इस तरह का है, इसके साथ अगर ट्रिगर को एक बार दबाएंगे तो ये वही फंक्शन होगा जैसे मुझे ये बॉटल जो है, बॉटल फोकस करनी है, तो अगर आप देख सकते हैं ये बॉटल, इसको हम फोकस करेंगे इससे, गिम्बल से हमने इसको एक बार क्लिक किया और ये एक वो बना दिया, एक सेकंड, इसको ज़रा सही से वो करना पड़ता है। ये आ गई बॉटल, इसको हम बॉटल को पीछे रखते, ये बॉटल फोकस हो गई है। अब मैं इसको जहाँ पे भी लेके जाऊँगा बॉटल को, मैंने इसको इसके स्टैंड पे खड़ा कर दिया है और अभी मैंने इसकी एक मोशन कैप्चर किए भी है, तो आप देखें मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ ये मेरे साथ वहीं फॉलो कर रहा है मुझे। तो ये इसका एक बेस्ट सीन है। फिर एक जेस्चर मोड भी है आई गेस रिकॉर्डिंग के लिए, इसको अगर हम ऑन कर दें फॉलो एंड शूट पे, हम इसको पहले तो जेस्चर कंट्रोल और फॉलो एंड शूट कर देते हैं, तो अगर अब मैं अपना हैंड दिखाऊंगा तो इसने के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं जहाँ पे भी आ रहा हूँ ये रिकॉर्ड करेगा। स्टैंड को थोड़ा सा इग्नोर करें जो इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये था इसका हमारा रिव्यू DJI OM4 SE का, और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि जिसको भी लेना है तो फिर ये DJI OM4 SE ले, बेहतरीन है। और इसमें ये आपका ये भी बताता रहेगा कि आपकी ट्रैकिंग हो रही है और ट्रैकिंग किस तरह, मतलब आपकी ऑडियो कितनी क्लियर आ रही है और कितना अच्छा वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसी के साथ यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।